नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। साथियों, हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन कर चुके हैं, उसकी मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज के इस पार्ट में हम भाग 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 की भी मैंने वीडियो बना दी है, जिसमें आज हम शिक्षण तकनीकों का वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीकी आपको दी गई हैं, तकनीक दी गई हैं, जिनमें से हम तीन तकनीकों को एक एक पार्ट में लेकर पढ़ेंगे। एक शिक्षण तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक उदाहरण की मदद से उस शिक्षण तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं, तो कुल मिलाकर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में क्या दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में शिक्षण तकनीकों का वर्णन किया गया है। या आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण तकनीकों का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो आप बता देंगे कि भाग 3 में शिक्षण तकनीकों का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितनी शिक्षण तकनीकों का वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किया गया है, तो 18 शिक्षण तकनीकों का वर्णन ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किया गया है, जिनमें से 3 शिक्षण तकनीकों का वर्णन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तकनीक है हमारी, शिक्षण तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। यानी कि हमारे कक्षा कक्ष का वातावरण में अधिक से अधिक आकर्षक चित्र हों, लेखन सामग्री होनी चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। यानी आपका जितना अच्छा कक्षा कक्ष का वातावरण होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपकी उतनी ही ज़्यादा सुगम हो जाएगी। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्री, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है, तो उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। यानी अगर आपका कक्ष का वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें बहुत सारे चित्र हैं, तो बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा। तो इससे आपके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला लाभ तो यही होगा, बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। दूसरा लाभ क्या होगा? बच्चों को सीखने में आनंद आएगा। तीसरा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, बच्चे अवधारणाओं को आसानी से समझ लेंगे। बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे, एक दूसरे को बता देंगे, देखें उसका चित्र ये है, उसमें ये बता रखा है, आप आसानी से देख सकेंगे। बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। ये लाभ होंगे इस शिक्षण तकनीक के। नेक्स्ट आता है, आप एक उदाहरण की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने चयनित कक्षा 3 ले ली, इसकी समयावधि 40 मिनट है, हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने चर्निंग लर्निंग जो आउटकम है आपने चूज़ किया, बच्चे संज्ञा शब्द को पहचानते हैं। इस लर्निंग आउटकम पर आपको कार्य करना है। आवश्यक सामग्री आपने क्या ली? शब्द कार्ड ले लिए, प्राणियों के नाम के, वस्तुओं के नाम के, स्थानों के नाम के, दीवार पर चित्र वाले चार्ट ले लिए, पोस्टर ले लिए, जैसे स्थान, वस्तुएं, यातायात के साधन, जानवर, वस्त्र परिसाधन जो भी होंगे, आप उससे संज्ञा आसानी से सिखा सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में क्या करेंगे? शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कक्षा की दीवारों पर व्यापक रूप से चित्र वाले चार्ट या पोस्टर जैसे स्थान, वस्तु, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि लगे हों। साथ ही अपने पास शब्द कार्ड और चित्र कार्ड रखते हैं। इससे बच्चों को कक्षा में टंगे विभिन्न चार्ट और पोस्टरों को देखने और उन पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। क्या करेगा शिक्षक? मान लीजिए शिक्षक प्रारंभ में बच्चों से बाढ़ के बारे में लगभग 2 मिनट कुछ बातचीत करते हैं। बाढ़ के बारे में बताते हैं कि खादर क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, इतने गाँव बह जाते हैं, वे बह जाता है, इतना नुकसान हो जाता है। उसके बाद साहसी सीमा पाठ के बारे में चर्चा करते हैं, अपने पाठ पे आ जाते हैं तथा उसके चित्रों को दिखाते हुए उन पर चर्चा करते हैं। बच्चे भी बाढ़ पर अपने अनुभव
यानी उन्होंने क्या सीखा, बाढ़ के बारे में क्या जानते हैं और समझ को शिक्षक के साथ साझा करते हैं। इस चर्चा के दौरान ही शिक्षक बच्चों का ध्यान संज्ञा शब्द की ओर खींचते हैं, जैसे सीमा, मोटरबोट, रहीम, नाव आदि। उन्हें वे श्यामपट पर लिखते भी जाते हैं। वार्ता के क्रम में संज्ञा शब्दों की विशेषताओं के बारे में बताएं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता क्या होती है। अब शिक्षक सारी उन्होंने विशेषता बता दी कि किसी के नाम, स्थान के नाम, इन सब शब्द को जिसका बोध होता हो उन्हें संज्ञा कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों को अच्छी तरह से बताने के बाद शिक्षक बच्चों को 5 समूह में बांटकर उन्हें शब्द चित्र कार्ड देते हैं तथा उनसे संज्ञा शब्दों को पहचानने और उनसे संबंधित कार्डों को छांटने को कहेंगे। उसके बाद वे बच्चों से पाठ में से ऐसे ही अन्य शब्द संज्ञा शब्दों को ढूंढने के लगेंगे। अब आप पाठ में से ढूंढिए इन शब्द को। बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो संज्ञा वाले शब्द चित्र कार्ड को छांटते हैं। वे छोटे समूह में पाठ में आए संज्ञा शब्दों को भी छांटते हैं। बच्चे दीवार पर फिर दीवार पर देखते हैं कि कक्षा में पोस्टर लगे हैं, उनमें भी संज्ञा शब्द हैं, उनमें भी आप उसमें बातचीत करते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाएगा। यह समूह में बच्चे बैठे होंगे तो उनके पास शिक्षक को जाना है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही ये समझने का प्रयास करते हैं कौन बच्चे गतिमान प्रतिभाग कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे। ये भी देखना है कि कौन बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और कौन इसमें प्रतिभाग नहीं कर रहे, कौन से बच्चे सही कर रहे हैं, किसे मदद की आवश्यकता है आदि, ये सब आपको देखना है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सतत आकलन किया जाता है। इस तरह से शिक्षक आकलन करता रहता है तथा आवश्यकता अनुसार वे अपनी शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव लाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव लाने की आवश्यकता है तो उसमें बदलाव लाते हैं। इस प्रकार ये शिक्षक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। समेकन, इसका कंसोलिडेशन क्या होगा? शिक्षक बच्चों के समक्ष पुनः संज्ञा शब्द की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कक्षा में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये आपकी संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष तकनीक को ध्यान में रखकर आप अपनी शिक्षण योजना बनाएं, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरी आपकी शिक्षण तकनीक है कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था। यानी कक्षा का प्रबंधन आपने कैसा कर रखा है, बच्चों की बैठक व्यवस्था के लिए ये भी बहुत प्रभावित करती है। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी, यानी अधिगम प्रक्रिया में बच्चे कितनी भागीदारी कर रहे हैं, बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करे जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने और सीखने के पर्याप्त अवसर मिले। सभी बच्चों को अवसर मिलने चाहिए। प्राय शिक्षक बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्तियों में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण करते रहते हैं। आपकी सीट बेंच लगी रहती है या वैसे लाइन से बैठा देते हैं और शिक्षण कर ले रहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ दिन बाद बोरिंग होने हो जाता है, अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी होता है। यह आपका शिक्षक को इसे गंभीरतापूर्वक लेना होगा। उन्हें समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को निम्नांकित रूप से परिवर्तित करते रहना पड़ेगा, यानी उसे बैठक व्यवस्था को परिवर्तित करना है। यानी कैसी कैसी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाएं, यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति में आप बैठा लीजिए और बीच में आप उसके सेंटर पे आप बैठ जाइए। या विभिन्न दूसरी क्या बैठक व्यवस्था हो सकती है, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बना लीजिए, एक होशियार बच्चा एक बुद्धू बच्चा। इस तरह से आप दो विभिन्न क्षमता, यानी कि कोई बच्चा किसी चीज़ में होशियार है, कोई बच्चा किसी चीज़ में होशियार है, यानी इसकी क्षमता इसमें है, इसकी क्षमता इसमें, उनकी जोड़ी बना लीजिए। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले हों, कमजोर नज़र वाले हों या बोलने में उन्हें असुविधा हो, उन्हें प्रथम पंक्ति में अथवा श्यामपट के पास बैठाइए। जो कम बोलते हों, आप उनसे बात करेंगे तो उनका झिझक खुलेगी, या उनको कम नज़र आता हो तो उन्हें आप पास बैठाइए। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठा कर भी कक्षा शिक्षण करें। इस तरह से आप समूह में बैठा कर कक्षा शिक्षण करें और उनके पास जा जाकर उनसे बात करें। इससे लाभ क्या होंगे, कम सुनने, कमजोर नज़र वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चे को सीखने में मदद मिलेगी। इससे पहला लाभ तो यही होगा, आप उसके पास जाएंगे तो उन्हें मदद मिलेगी। दूसरा, शिक्षण कक्षा शिक्षक जो है कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएंगे। जब आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो आप बीच बीच में उनके पास जाते रहेंगे तो सभी पे आप ध्यान रख पाएंगे। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, यानी दो आपने जोड़ी बना दी विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की, तो वे एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। बैठक व्यवस्था बदलने पर सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। चलिए इसे भी एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपने चयनित विषय ले लिया, कक्षा 2 का आपने इंग्लिश ले लिया
और लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चे शरीर के विभिन्न भागों के नामों को अंग्रेजी में पहचानते हैं और बोलते हैं, ये आपका चयनित लर्निंग आउटकम्स हो गया। तो सामग्री क्या होगी, फ्लैश कार्ड पर लिखे हुए शरीर के भागों के नाम, जैसे हेड, आई, नोज, ईयर, स्किन, हैंड, इस तरह से आप फ्लैश कार्ड ले लेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में क्या करेंगे आप, शिक्षक बच्चों को कक्षा में गोलाकार आकृति में बैठाते हैं और स्वयं बीच में बैठ जाते हैं। आप गोलाकार आकृति बनाइए, उसमें बीच में बैठ जाइए। अब शिक्षक एक खेल खेलते हैं, आप कोई खेल खेलेंगे, वे शरीर के किसी अंग का नाम लेते हैं, जैसे नाक। बच्चे जल्दी से उंगली अपनी नाक के ऊपर रख देते हैं, उनको बताना है जिस शरीर के अंग का नाम मैं लूँ उस पर आपको उंगली रखेंगे, पहले उनको उनकी भाषा में ही बताएंगे। सभी बच्चे बड़े गोले में इसी प्रकार से बैठ जाते हैं और ध्यानपूर्वक इस खेल में प्रतिभाग करते हैं, तो स्वच्छता शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं। अब शिक्षक हमारा शरीर अवर बॉडी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न भागों के नामों को बताते हैं। बच्चे ध्यान से शिक्षक की बातें सुन रहे हैं, तब बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक बच्चों को चार छोटे छोटे समूह विभाजित करते हैं, चार पाँच विभाजित कर देंगे, सभी बच्चे समूहवार गोल घेरे में बैठ जाते हैं। शिक्षक सभी समूहों में फ्लैश कार्ड देते हैं जिनमें मानव शरीर के विभिन्न अंगों के चित्र और अंग्रेजी में नाम लिखे होंगे। बेहतर रहेगा कि आप पहले फ्लैश कार्ड भेज दें जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम लिखे हुए हैं, उससे बच्चे समझ जाएंगे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद आप वे फ्लैश कार्ड दें जिनमें केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है। समूह में बच्चों को एक एक कार्ड उठाना है और उसको अपने अंगों से पहचान करते हैं, उस पर चर्चा करनी है। बच्चा उठेगा, उसे बताएगा मेरे पास फ्लैश कार्ड है, इसमें हेड लिखा है, ये हमारा हेड है, वो बच्चा आपका बता देगा। बच्चे स्वयं फ्लैश कार्ड की सहायता से अपने अपने समूह में बैठकर अपने शरीर से उनकी पहचान करते हुए बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करेंगे। समूह कार्य के दौरान शिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही यह समझाने का प्रयास करते हैं कौन से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, कौन सही कर रहा है, किसे मदद की आवश्यकता है आदि। इस प्रकार शिक्षक द्वारा बच्चों का सतत आकलन किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में बदलाव लाकर बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसका कंसोलिडेशन, शिक्षक बच्चों को आवश्यकता अनुसार बैठक व्यवस्था बदलाव माध्यम से पहले बड़े समूह में, इसके बाद छोटे छोटे समूह में प्रकरण को प्रभावी तरीके से समझाते हैं। गतिविधि में सभी बच्चों की प्रतियोगिता सुनिश्चित करते हैं। कक्षा प्रबंधन का यह तरीका शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। तो सभी शिक्षक कक्षा प्रबंधन में बैठक व्यवस्था की इस तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तीसरी है आपकी शिक्षण तकनीक, क्लास जो हम तीन तकनीक इस वीडियो में पढ़नी है, वो है हमारी रोचक प्रस्तावना, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, यानी कि आप बच्चों को इतना रोचक बना दीजिए कि उनका मन लगे। प्राय शिक्षक क्या करते हैं, बिना किसी प्रस्तावना भूमिका द्वारा शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से विषय वस्तु में प्रवेश अत्यंत रुचिकर ढंग से पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी प्रवेश इस तरह से करना है आपको अपने उसमें कि बच्चों को उत्सुकता हो जाए कि अब आगे क्या होगा, बच्चे अपने आप ही पूछने लगे। इससे बच्चे जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य किए जाने उपयोगी हैं। क्या कार्य कर सकते हैं, किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर पाठ्यवस्तु का प्रारंभ करें। मान लीजिए आपको बाढ़ के बारे में पढ़ाना है, तो आप सबसे पहले आप अपने आसपास कहीं बाढ़ आई हो उसके बारे में, ऐसे एक बार हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, फिर हमने ये किया, सारा कुछ बह के चला गया, हमारी कार्ड बह के चली गई, यानी बच्चों को आप इतना उत्सुक कर दें कि बच्चे सोचे फिर क्या हुआ। इस तरह से आप रोचक घटना के बारे में बताएंगे और पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर आप इसे शुरू कर सकते हैं। रुचिकर कविता गीत सुनाकर शुरू कर सकते हैं। समसामयिक घटनाओं को बताकर भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ होंगे कक्षा में बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने के लिए तत्पर होंगे, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बच्चे अनुशासित होंगे, बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होगी अगर आपने रोचक प्रस्तावना से अपने पाठ को शुरू किया है। चलिए एक उदाहरण की मदद से इस प्रक्रिया को ढंग से समझते हैं। जैसे आपने कक्षा 8 ली, उसमें गणित आपने लिया, बच्चे लर्निंग आउटकम है, बच्चे
एटीएम के बारे में जानते हैं, यानी आपको एटीएम के बारे में बच्चों को बताना है। तो कैसे करेंगे? आवश्यक सामग्री, एटीएम कार्ड का प्रारूप ले लेंगे, एक एटीएम मशीन का चित्र वाला चार्ट ले लेंगे। अच्छा, शिक्षण प्रक्रिया में आप रोचक प्रस्ताव लेंगे। शिक्षक कक्षा में बच्चों से बातचीत करते हुए बताते हैं कि आज हमें विद्यालय के लिए खेल का सामान खरीदना है। जैसे ही आप खेल के सामान के बारे में बताएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि स्कूल में खेल का सामान आने वाला है, मज़ा आ जाएगा, मैं ये खेलूँगा। इस तरह से बच्चों के साथ चर्चा करते हुए फिर शिक्षक पूछते हैं कि आपको कापी, पेन या चॉकलेट आदि खरीदने को पैसे कौन देता है? तो बच्चों के जवाब होंगे मम्मी, पापा, बाबा, दादी। शिक्षक बातचीत के दौरान बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके मम्मी पापा या बाबा दादी पैसा कहाँ से लाते हैं? तो इस पे भी बच्चों के अलग अलग जवाब होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि बैंक से लाते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नौकरी करते हैं, कुछ बच्चों का जवाब होगा बाज़ार में सौदा बेच कर लाते हैं। लेकिन कुछ बच्चा एक ऐसा भी होगा, या नहीं हो, ऐसा हो सकता है, हो भी या नहीं भी, कक्षा की एक छात्रा मानवी कहती है कि सर मेरे पापा तो पैसे एटीएम से निकालते हैं, यानी किसी बच्चे को थोड़ा बहुत एटीएम के बारे में पता होगा। यहीं से आपकी शिक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिक्षक कहते हैं कि आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी लोग पैसे बैंक या उसके द्वारा स्थापित एटीएम से निकालते हैं। आज सब हम एटीएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तथा यह समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे किस प्रकार कार्य करता है। क्या आपने एटीएम मशीन देखी है? इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। फिर बच्चों को एटीएम के चार्ट वाली तस्वीर दिखाई जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा कि आपकी ऐसी इस तरह की एक स्ट्रिप होती है, आप उसका फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उस पर इस तरह से आपका नंबर लिखा होता है, आपका एक एटीएम पिन होता है, आप उसमें डालते हैं तो आप उसके सारी प्रक्रिया आप उसे बता देंगे। शिक्षक बच्चों को रोचक प्रस्तावना की मदद से पाठ की शुरुआत करते हैं, जिससे बच्चों के पूर्व ज्ञान का बखूबी प्रयोग किया जाता है। आप रोचक प्रस्तावना तकनीक को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाइए, यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस तरह से हमने तीन शिक्षण तकनीकों का अध्ययन इस पार्ट में किया। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की तीन शिक्षण तकनीकों का अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो ये भी लिखिए, और अगर कमी नहीं है तो ये भी लिखिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।